दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइक्रो कैप कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक पेनी शेयर के बारे में जिसने लास्ट ईयर में 500% के सीएजी रिटर्न्स मार्कर दिए हैं और उसी कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 150% के सीएजी से अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर्स रिटर्न्स मार्कर दिए हैं। दोस्तों इस शेयर के ऊपर मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाया तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये नया शेयर है आप लोगों के लिए या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये न्यू वीडियो है इस शेयर पर, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो फैनी शेयर हो, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हो, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा हो, देखो ग्रोथ का मतलब है कि शेयर्स में ग्रोथ, यहाँ पर मार्च क्वार्टर में 2022 में 2 करोड़ की शेयर्स थी, ठीक है, 2022 में, जो कि अभी 2023 में 17 करोड़ हो चुकी है। 17 करोड़ इस कंपनी की शेयर्स, मतलब मार्च 2022 में 2 करोड़ थी जो कि 2023 में बढ़कर के 17 करोड़ हो चुकी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं तो इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 8000% से ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त दिया है। इसके बावजूद भी मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये शेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है और अभी भी कोड़ियों के भाव अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें अभी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं स्टॉक के पीई की, देखो कितना सस्ता है शेयर, 3.37 इसका स्टॉक का पीई है। यहाँ पर आरओसी और आरओई यहाँ पर कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, 85% और 83% का। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है जो कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस देने का भी चांसेस है कंपनी पास। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 248 रुपये जो कि इस कंपनी के करंट शेयर प्राइस जो चल रही है उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। डेट की बात करते हैं तो 21.9 करोड़ का डेट है जबकि रिजर्व कंपनी पास 69.9 करोड़ का पड़ा हुआ है, अप्रॉक्स 70 करोड़ का कंपनी पास रिजर्व पड़ा हुआ है, हम कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज कंपनी पास काफ़ी कम है और एसेट्स कम है कंपनी पास और लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, ठीक है। देखो पेनी शेयर है, माइक्रो पेनी शेयर है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेगी वो भी हमें देखनी है, ठीक है। उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 25.9% इसके प्रमोटर्स के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम नज़र आ रही, थोड़ी सी नहीं कमी है, वो तो थोड़ी सी नहीं कम ही है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी को बहुत ही अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है कंपनी, और पेनी शेयर है, कुछ चीज़ें हमें इसमें नेगेटिव देखने को मिलेंगी क्योंकि पेनी शेयर का मतलब होता है पेन, आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर है तो उसका मतलब है पेन है। फिर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो देखो बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए कि पेनी शेयर बताइए सर, तो मैं पेनी शेयर भी कवर करता रहता हूं क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। भले ही मैं इस शेयर के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आँख बंद करके इसमें बड़ा पैसा डाल देना है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही पैसा लगाना है ऐसे शेयरों में, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा इंडस्ट्री पी 29.4 है, ठीक है। और वहीं पर बात करें कैश की तो 4.52 करोड़ का कंपनी पास कैश भी पड़ा हुआ है। कंपनी अपने एसेट से 28% का रिटर्न भी जनरेट कर पा रही है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो, देखो क्योंकि कंपनी पास डेट कम है तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 है, इसलिए यहाँ पर कंपनी डेट फ्री है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बस हमें यहाँ पर कम नज़र आ रही है जो कि एक पेनी शेयरों में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स की ग्रोथ की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले इस कंपनी में कोई शेयर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, उसके बाद कंपनी में सेल्स में ग्रोथ हुई और यहाँ पर आप देखोगे मार्च 21 में 24 करोड़ की सेल्स थी जो कि अभी 2023 में बढ़कर के 195 करोड़, तो आपको देखने को मिल रहा है कंपनी की सेल्स में कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 0 हुआ करता था जो कि अभी बढ़कर के 24% और 12% हो चुका है जो कि एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 0 हुआ करता था, EPS भी माइनस में हुआ करता था जो कि अभी 0 से बढ़कर के प्लस में आया, फिर 2 करोड़ हुआ और अभी बढ़कर के फाइनली 17 करोड़ तक हो चुका है और EPS भी बढ़कर के 11.30 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट और EPS में भी ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक का CAGR और कंपनी का ROE काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेन चीज़ सेल्स की भी ग्रोथ होनी चाहिए, प्रॉफिट में भी ग्रोथ होनी चाहिए, CAGR कंपनी का रिटर्न्स होता है, अच्छा रिटर्न्स मार्केट दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 ईयर में 58% का CAGR, 10 ईयर में, और 5 ईयर में 147%, लगभग 150% का है।
3.398 और 1.508% के सीजा से कंपनी ने रिटर्न मार्कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी पास कैश फ्लो की, तो कंपनी पास पहले कैश फ्लो हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, कभी मानस में कभी बरस में ऐसे चलता रहता है, ये ज़्यादातर कंपनी में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर पहले कंपनी पास डेप्ट डेज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 7,000, 9,000, 10,000 तक, और मैं अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और अभी 193 रह गए हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। कैश कन्वर्जन भी काफ़ी कम हुए हैं यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी कम हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले कुछ भी नहीं हुआ करती थी, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम भले ही नज़र आ रही है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि पहले जीरो सी होल्डिंग थी, अब इसमें 25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो 25.93% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। तो एट दी एंड ऑफ इट हमें अगर बात करें तो हजूर मल्टीप्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि रियल्टी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये कंपनी जो है रियल एस्टेट में काम करती है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप अभी मात्र 154 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी की 152 पे चल रही है और इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 248 रुपीज़ है, जो कि कंपनी का और स्टॉक का पी हमने देखा था अभी 3 था, जबकि इंडस्ट्री का पी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 29। तो इसलिए ये शेयर बहुत ज़्यादा अंडरवैल्यूड है, पेनी शेयर है, रिस्क बहुत है, लेकिन रिवार्ड भी यहाँ पर बहुत बड़ा मिल सकता है। एक साल के अंदर की एक कंपनी आपके पैसे को 10 गुना भी कर सकती है। कंपनी करती क्या है, कंपनी रियल एस्टेट से काम करती है, रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इंगेज इन द बेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी की वेबसाइट पर एक बार, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो रोड वगैरह जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो इसकी साइट जो है लोड नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी सेक्टर से बिलोंग करती है। और न्यू प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर 2022 में यहाँ पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग उठाई थी 25.93, या आपने मैंने दिखाई दी आपको। ऑर्डर बुक की बात करें तो 1200 करोड़ का यहाँ पर कंपनीज अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इज एट 1200 करोड़ एज ऑन अगस्त 31, 2022। तो कंपनी पास 1200 करोड़ का ऑर्डर भी पड़ा हुआ था, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू जनरेशन की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी मेजरली यहाँ पर दिखाएंगे रेवेन्यू कहाँ से आता है। कंपनी मेजरली प्रोवाइड्स रोड कंस्ट्रक्शन सर्विस टू स्टेट गवर्नमेंट्स, देखो स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको क्या करती है, रोड कंस्ट्रक्शन को बनाती है। देयरफॉर रेवेन्यू ऑफ कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ टेंडर्स फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट। प्रीवियसली कंपनी वाज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू अंटिल 2022। मैंने जैसे आपको दिखाया था पहले कंपनी का कोई सेल्स वगैरह नहीं हो रहा था 2020 में, देखा आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के पास कोई रेवेन्यू नहीं था 2020 तक, बट बेस्ड ऑन द न्यू वर्क ऑर्डर रिसीव्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ बैलेंस वर्क ऑफ वैकन पाली हाईवे, कंपनी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड्स है इसका रेवेन्यू, जो रोड कंस्ट्रक्शन करती है वहाँ से ऑर्डर मिलते हैं इसको, तो इसका रेवेन्यू में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अभी इसके कुछ अंडर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से इस कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर मान लीजिए इसने कोई जो आप मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया अभी, ठीक है, और मान लीजिए आपका पैसा 2-3 गुना हो भी गया, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्योंकि उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसके देखो पेनी शेयर है, ये बात तो है, पेनी शेयर जो पेन पोर्टफोलियो में पेन का काम करते हैं, मतलब दर्द का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर बात क्यों करते हैं, क्योंकि पेनी शेयर जो होते हैं इन पर रिस्क जितनी ज़्यादा होती है उतना रिवार्ड भी होता है। अब यहाँ पर आप खुद देख लो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक साल में कंपनी ने कितना रिटर्न मार्केट दिया है, एक साल में कंपनी ने एक साल के अंदर 510% का रिटर्न मार्केट दिया है, एक साल में कंपनी ने 5 गुना पैसा कर दिया, ठीक है। और फाइव की बात करते हैं तो एक साल 5 साल में कंपनी ने 8,000 से ज़्यादा का रिटर्न मार्केट दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे 2020 तक कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, और 2020 के बाद जब कंपनी ने जैसे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, कंपनी को ऑर्डर मिले, कंपनी का शेयर जो भागना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये शेयर जो लंबे समय के लिए नहीं है, केवल एक मौके पर चौका है। अभी कंपनी का ऑर्डर मिला हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सरकार से, तो इसलिए कंपनी भाग रही है, शेयर भाग रहा है। तो आप अगर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उतना ही पैसा लगाएं जितना कि अगर कंपनी डूब भी जाए। कंपनी डूबने वाली नहीं है, प्रॉब्लम क्या पता है, ये इसका रेवेन्यू जो है हाईली डिपेंड्स है किस पे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे, रोड बनाने वाले,
रोड बनाने पर, ठीक है। अगर मान लीजिए 1-2 साल तक इसको कोई ऑर्डर नहीं मिलता है रोड बनाने का, और जो कंस्ट्रक्शन इसके चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, आपको बस पैसा बनते ही निकल जाना है, आपको लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना है। रही बात अभी बाय करने की, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बहुत ही अंडरवैल्यूड शेयर है, लेकिन उतना ही पैसा लगाया कि शेयर में अगर कोई गड़बड़ी दिखती है, गड़बड़ी से मतलब अगर गिरावट होती है, गिरावट तो होना है क्योंकि ये शेयर आप देख रहे हो पहली शेयर है, ये चलते ही है, शेयर में गिरावट होती रहती है, ठीक है। तो आपको परेशानी ना हो, आप इसको होल्ड कर सके। कब तक होल्ड कर सके, जब तक कंपनी को कोई और ऑर्डर ना मिले, तब जिसकी वजह से कंपनी में तेजी आए, ठीक है। तो वो पहली शेयर में आपको पैसा उतना ही लगाना है कि अगर आपका पैसा फंस भी गया तो आप इसको होल्ड कर सके, क्योंकि उसके बाद कभी अगर कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है, कंपनी में ऑपरेटर सक्रिय होते हैं, तो आप तो वो शेयर जो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, आपको लॉस बुक नहीं करना पड़े। देखो अगर आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया तो आप लॉस बुक कर जाओगे, अगर आप रिस्क के अकॉर्डिंग कम पैसा लगाओगे तो आपको आप वही पैसा लगाओ जो आप सरप्लस पैसा है, आप उसको होल्ड कर पाओगे, टाइम दे पाओगे, ठीक है, आप उसको पेशेंस के साथ होल्ड कर पाओगे। क्योंकि यही देखो, आप कोई भी शेयर हो हमेशा नहीं चलता, आप यहाँ पर देखो इस जगह पर यहाँ पर शेयर चलाए नहीं है, उसके बाद कंपनी ने भयंकर रन मार के दिए, तो आप अगर मान लीजिए किसी बंदे ने यहाँ पर लाखों रुपए लगाए होंगे तो वो इम्पेशेंस होकर लॉस बुक करके निकल गया होगा, ठीक है। अगर उसने होल्ड किया होगा तो वही पैसा देखो कितना गुना हो गया। तो इसलिए आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा लगाओगे। पहली शेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पहली शेयर का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है बस यहाँ पर। बाकी स्टॉक की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, आरओई, आरओसी सब ठीक देखने को मिल रहे हैं, ऑर्डर भी कंपनी पास, बस प्रॉब्लम ये कि पैनी शेयर है और प्रॉब्लम की होल्डिंग कम है, यही रिस्क है इसमें, और रिस्क है जहां रिवार्ड भी है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसा लगा, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।